जय हिंद, जय भारत। एके टेक चैनल में आपका स्वागत है। ये रेडमी का 8A डुअल मॉडल है और इसके हम फोल्डर चेंज करेंगे। हम बैक कवर ओपन कर रहे हैं इसका। दोस्तों, सावधानी, हैंडसेट को खोलने में बहुत बरतनी चाहिए, माइनर काम होता है ये। और धीरे धीरे हम इसके वन बाय वन करके पेज खोलेंगे। अब इसके स्पीकर की डिब्बी निकालते हुए धीरे से हमने ये पेज स्क्रू सारे निकाल लेंगे। अब ऊपर वाले सेक्शन का और एक सब बोर्ड के ऊपर एक पेज होता है, वो भी हम ओपन करेंगे। और ये ऊपर वाले सेक्शन के पेज खोलेंगे हम सारे, वन बाय वन करके पेज खोलते हैं इसके। ओरिजिनल फोल्डर डालने के वक्त ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। फोल्डर कोई भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फोल्डर है ना, हमने नया डाल लेंगे। ओरिजिनल फोल्डर है, ओरिजिनल फोल्डर बड़े प्यार से निकालते हुए इसके बाद हम वन बाय वन करके बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे। फिर ये मेन फ्लेक्स और डिस्प्ले कनेक्टर को और ये एंटीना वायर को निकालते हुए ध्यान रखना, सबसे पहले हमें बैटरी के पॉइंट को ही निकालना है। बैटरी कनेक्टर को निकाल लेंगे जिससे हमारा फोन शॉर्ट ना हो जाए। अब ये हम स्पीकर रिसीवर निकालते हुए रिसीवर निकाल लेंगे अपना। और ये पावर की का पत्ता निकालते हुए अभी सब बोर्ड हमने ओपन कर लिया। सब बोर्ड को बाहर निकाल के रखें। और ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर को बड़े प्यार से निकाल कर अलग रखो। अब इसके बाद हम बैटरी को निकालते हैं आराम से। जब काफी दिन के बाद फोल्डर को ऐसे बैटरी छुटाते हैं तो बहुत टाइट निकलती है। बड़े प्यार से धीरे धीरे बैटरी को बड़े प्यार से निकालना है, नहीं तो बैटरी में आग भी लग जाती है। और खराब होने के भी चांस होते हैं, बड़े प्यार से और बड़े हिसाब से। यदि बैटरी नहीं निकल रही है तो हल्की सी हीटिंग करके भी निकाल सकती है। लगभग ये बैटरी निकलने ही वाली है बस। बैटरी को धीरे से आराम से छुटा लो, ऐसे सीधी कर लो बैटरी को, हल्की सी बैंड हो जाती है कोई दिक्कत। बैटरी को अलग रख लो। ये फोल्डर हमारा टूटा हुआ है, फोल्डर चेंज करेंगे। और ये हमारे पास ये ओरिजिनल फोल्डर विद फ्रेम फोल्डर है ओरिजिनल। बड़े प्यार से इसको टेप बड़े प्यार से हटानी है, पत्ता ना कट जाए तो दबा के। सबसे पहले माइनर पार्ट लगाते हैं। हमने रिसीवर लगा लिया है, इसके बाद हम पावर की लगाएंगे।
अभी ये फिर हम मेन बोर्ड लगा रहे हैं इसमें, ये लग गया हमारा मेन बोर्ड। अब ये हम सब बोर्ड लगाएंगे नीचे से। वाइब्रेटर भी लगाना था, वो भूल गए थे, लगाया वाइब्रेटर, लगाया वाइब्रेटर भी लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर हम इसके बाद सब बोर्ड लगाएंगे। दोस्तों ओरिजिनल फोल्डर बड़े प्यार से और अच्छे से लगाना चाहिए। अब सब बोर्ड के ऊपर एक पेच होता है, वो हम पेच कर देंगे, इससे लूजिंग नहीं होगी, सब बोर्ड में लूजिंग भी नहीं होगी। ये हमने पेच कस दिया है सब बोर्ड का, और फिर हम इसकी बैटरी लगा रहे हैं। फिर हम इसके सारे कनेक्टर लगाएंगे। सबसे पहले हमने तीनों कनेक्टर वन बाय वन करके लगाएंगे। अब ये एंटीना वायर लगा रहे हैं अपनी, इससे नेटवर्क हमारे पूरे आएंगे। लूजिंग नहीं होनी चाहिए कहीं भी हैंडसेट में, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके धीरे धीरे, ये स्पीकर है इसका, स्पीकर के पेच लगाएंगे वन बाय वन करके। स्पीकर के पेच वन बाय वन करके पेज हमने लगा दिए स्पीकर पे। सारे पेज हम टाइट करेंगे, अपर साइड हम ये लगाते हैं, इसमें भी जो पेच हैं वो अपने सारे टाइट करेंगे वन बाय वन करके। सारे पेज जो हैं वन बाय वन टाइट करते हुए, और अब ये हमारा फोल्डर डाल के तैयार हो जाएगा। कहीं भी हैंडसेट में लूजिंग नहीं होनी चाहिए, सारे पेज बराबर टाइट होने चाहिए। ये हमने सारे पेज टाइट कर दिए हैं। अब इसकी पावर की थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, हमने पावर की को नीचे दबा दिया, प्रेस कर दिया इसको। अब हम सेट को ऑन करेंगे, हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है, और हम इसमें चार्जिंग लगाएंगे। बैटरी डाउन है हैंडसेट की, फोल्डर डल के कंप्लीट हो गया, देखो बैटरी का सिंबल आ गया इसमें। अब कुछ देर में ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। हैंडसेट की बैटरी डाउन है, फोल्डर डालने में, ओरिजिनल फोल्डर डालने में किसी को कोई दिक्कत आए तो कृपया चैनल पर जाकर लाइक करके पूछ ले, और कमेंट करके पूछ ले कोई दिक्कत आए तो। रेडमी 8 ड्यूल का मॉडल है ये, ओरिजिनल फोल्डर हमने डाला है हैंडसेट में। कोई दिक्कत आ रही हो कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हैंडसेट की बैटरी डाउन है, बैटरी चार्ज करके आपको दिखाएंगे ऑन करके हैंडसेट को। इसमें 1 या 1.5 मिनट का समय लगेगा अभी। और चेक करते हैं बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई सेट की। बैटरी अभी चार्ज नहीं हुई है हैंडसेट की, लगा हुआ है हैंडसेट। अभी 1 से 1.5 मिनट लगेगा हैंडसेट को चार्ज होने में। हैंडसेट की बैटरी डाउन है और ये ऑन हो रहा है हैंडसेट। बैटरी अब 1% हो गई हैंडसेट की। थोड़ी देर में हम इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको। एक या 1.5 मिनट में हैंडसेट चार्ज हो जाएगा 1-2%, और फिर हैंडसेट को ऑन करके दिखाएंगे आपको। हैंडसेट की बैटरी चार्ज हो रही है, होल्डर हमें डाल दिया है। देखते हैं बैटरी कितने परसेंट चार्ज हुई है हैंडसेट। ये 1% बैटरी चार्ज हो गई है और ये भी हैंडसेट 1% बैटरी पे ही ऑन हो जाएगा। ये रेडमी लिखा हुआ आ गया है। ये एक टेक चैनल है और होल्डर ऑन हो रहा है। काफी समय लेता है हैंडसेट, 2:32 वाला है। ये हमारा हैंडसेट ऑन हो गया है, होल्डर डाल के कंप्लीट और हैंडसेट तैयार। जय हिंद, जय भारत। एके टेक चैनल में आपका स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हमारा फोल्डर तैयार हो गया है कंप्लीट। अब इसका बैक पैनल और लगाएंगे और हैंडसेट का बैक पैनल हमने लगा दिया है। फोल्डर डल के हमारा तैयार हो गया।